पहले अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्तियां निकली हैं। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये भर्तियां निकाली हैं। 894 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। 11 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंजूर किए जाएंगे। एससी के लिए 164 पद, एसटी को 37 पद, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 126, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 94 और अनारक्षित के लिए 473 पद हैं। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 18 पद निकाले गए हैं। उत्तराखंड के अनाथ 24, महिलाओं के लिए 268, अनारक्षित किए गए 18 से 28 वर्ष तक उम्र सीमा रहेगी। तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 894 भर्तियां यहां पर निकाली गई हैं। 894 पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये भर्तियां निकाली हैं और इसके लिए 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जो है मंजूर किए जाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ये पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। एससी के लिए 164 पद है, एसटी के लिए 37 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग को 126, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 94, अनारक्षित के लिए 473 पद हैं। इसी के साथ उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 18 पद हैं, उत्तराखंड के अनाथ के लिए 24, महिलाओं के लिए 268, आरक्षित किए गए 18 से 28 वर्ष तक उम्र सीमा रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 894 पदों पर भर्तियां निकाली गई, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी, कब तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं? अवनीश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 894 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्तियां निकाली हैं और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी मंजूर किए जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। टोटल अगर बात की जाए तो 894 पद है जिन पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्तियां निकाली है। तो उत्तराखंड में जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 894 पदों पर भर्तियां निकाली हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी मंजूर किए जाएंगे। 11 नवंबर तक की डेट दी गई है जब तक ऑनलाइन आवेदन मंजूर किए जा सकते हैं। एससी के लिए 164 पद हैं, एसटी के लिए 37 पद पर भर्तियां निकली हैं, अन्य पिछड़े को 126, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का भी यहां पर ध्यान रखा गया है तो उनके लिए भी 94 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अनारक्षित के लिए 473 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसी के साथ उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए भी 18 पद पर भर्तियां निकाली गई हैं। वहीं उत्तराखंड के अनाथ 24 और महिलाओं के लिए भी 268 पद आरक्षित किए गए हैं और इसके लिए उम्र सीमा रहेगी 18 से 28 वर्ष तक की उम्र सीमा निर्धारित की गई है और 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, 894 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्तियां निकाली, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी और किस तरीके से आवेदन किए जा सकते हैं? ऑनलाइन तो है ही, लेकिन क्या ऑफलाइन भी इसके लिए आवेदन दिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए पूरा मतलब जिस तरीके से बात करें, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए यहाँ पे लगातार जो है बेरोजगार सड़कों पर थे और लगातार बात भी हो रही थी, सरकार भी कह रही थी कि बेरोजगार जो है वो सड़कों बहुत अधिक मजबूर रहे, रोजगार नहीं मिल रहा है। परंतु अब अगर बात की जाए तो रोजगारों के लिए जो है बेरोजगार जो है उनको एक सुनहरा अवसर मिले जा रहा है। लगभग 894 के करीब जो है यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है वो यहाँ पे जो है निकाली गई है, जिसमें महिलाएं भी है, महिलाओं को भी जो है आरक्षण की बात यहाँ पे लगातार करते रहे हैं। और जो ये आवेदन होंगे ये 11 नवंबर तक ऑनलाइन है और ऑफलाइन की भी सुविधा जो है, जो जैसे दिव्यांग लोग हैं उनको यहाँ पे जो है वो छूट दी गई है और जो महिलाएं हैं उनको अलग से आरक्षण दिया गया, ओबीसी कोटा अलग दिया गया। तो तमाम जो है यहाँ पर आप देखा जाए कि सुनहरा अवसर है और 11 नवंबर तक जो है अंतिम तिथि है। जी पूनम जी, बिल्कुल अवनीश जी, जिस प्रकार से आपने कहा ये एक सुनहरा अवसर है और महिलाओं के लिए जो भर्तियां निकाली गई हैं तो उसको लेकर महिलाओं में भी कितना उत्साह, क्योंकि खासतौर से महिलाओं के लिए भी लगातार प्रयासरत है सरकार। तो लगातार जो है यहाँ पे फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे उसका भी कहना था कि महिलाओं के लिए जो है मकान है, एक जिस तरीके से टूरिज्म की बात की जा सकती है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है,
तो यहाँ पर जिस तरीके से जो गाइड होते हैं उनकी सीधी भर्ती महिलाओं के लिए यहाँ पे दीदी अपॉर्चुनिटी इन फॉर्मेट में और जगह जगह उनकी जो है कोचिंग की यहाँ पे बात की जाएगी, परंतु जिस तरीके से यहाँ पर जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके लिए कहा जा सकता है कि महिलाओं को भी जो है इसमें जरूर अवसर मिलेगा। जी शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल उत्तराखंड से ये खबर देहरादून से आपको बता रहे थे, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए 894 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, तो काफी सुनहरा अवसर यहां पर लोगों को मिल रहा है, उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है और लोगों में काफी उत्साह भी है क्योंकि लगातार जो है प्रयासरत भी है सरकार और लगातार अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। 11 नवम्बर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंजूर भी किए जाएंगे।